नमस्कार दर्शकों, खबरों की खबर कार्यक्रम में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। इस बार हम देश दुनिया की आर्थिक स्थिति के साथ साथ बेरोजगारी और वैश्विक भुखमरी जैसे मुद्दों पर चर्चा करेंगे, जो वर्तमान समय की देश की स्थिति को दर्शाएगा। साथ ही हम हिंदू धर्म में प्रचलित त्योहार नवरात्रि पर भी चर्चा करेंगे और जानेंगे कि माँ दुर्गा का पति कौन है तथा क्या नवरात्रि पर व्रत करना सही है। तो आइए शुरू करते हैं हमारा विशेष कार्यक्रम खबरों की खबर का सच जो आप जानना चाहते हैं। कोरोना वायरस महामारी ने दुनिया को काफी प्रभावित किया है। वर्तमान समय में कोरोना वायरस के प्रकोप से अधिकांश देश आर्थिक तंगी की मार झेल रहे हैं। भारत में भी लगभग हर क्षेत्र में, फिर चाहे वो कृषि हो, तकनीकी या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर, सभी कोरोना महामारी और लॉकडाउन से प्रभावित हुए। वहीं इसका सबसे ज्यादा असर मजदूर और किसान वर्ग पर पड़ा है। हाल ही में जारी हुए ग्लोबल हंगर इंडेक्स की रिपोर्ट में भारत 107 देशों में से 94वें नंबर पर आया है, जो कि बेहद शर्मनाक और भारत की आर्थिक स्थिति को दर्शाता है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स एक ऐसा तंत्र है जो वैश्विक स्तर पर राष्ट्र और क्षेत्र की भुखमरी को ट्रैक कर आंकड़े जारी करता है। इसके परिणाम प्रत्येक वर्ष अक्टूबर में प्रकाशित एक रिपोर्ट में दिखाई देते हैं। इस साल पूरी दुनिया में 107 देशों में से 94वें नंबर पर भारत आया है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2020 की रिपोर्ट के मुताबिक प्रभावी निगरानी की कमी और खराब प्रगतिशील प्रक्रियाओं और कुपोषण से निपटने के लिए मौन दृष्टिकोण और बड़े बड़े राज्यों के द्वारा खराब प्रदर्शन के कारण इस साल भारत को गंभीर भूख की श्रेणी में रखा गया, जबकि पिछले वर्ष में भी भारत 117 देशों के बीच 102वें स्थान पर आया था। इस बार देश की हालात पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश और म्यांमार जैसे पड़ोसी देशों से भी बदतर हो गई है। इस संस्करण में चीन और अन्य आबादी वाले देशों के लिए महत्वपूर्ण डाटा अपडेट में भूख से पीड़ित लोगों की वैश्विक संख्या के अनुमान में मौजूदा 69 करोड़ की पर्याप्त कटौती की गई है। एशिया सबसे बड़ी संख्या में कुपोषितों का घर बना हुआ है, जिसमें 38 करोड़ से भी ज्यादा लोग कुपोषित पाए गए हैं, जबकि अफ्रीका 25 करोड़ के आंकड़ों के साथ दूसरे स्थान पर है। उसके बाद लैटिन अमेरिका और कैरिबियन करीबन 5 करोड़ के आंकड़े के साथ तीसरे नंबर पर है। इसका मतलब है कि पिछले 5 वर्षों में भूख वैश्विक जनसंख्या के साथ साथ तेजी से बढ़ी है। इस वक्त अफ्रीका सबसे कठिन हिट क्षेत्र में है और इसलिए इसके 19.1% लोग कुपोषित हैं। वर्तमान रुझानों के अनुसार 2030 तक अफ्रीका दुनिया की आधी से अधिक जनसंख्या के भूखों का घर बन जाएगा। भुखमरी से लड़ने में कोविड-19 महामारी वैश्विक खाद्य प्रणालियों की कमजोरियों और अपर्याप्तताओं को तेज कर रही है, जिससे भोजन के उत्पादन, वितरण और खपत को प्रभावित करने वाली सभी गतिविधियों और प्रक्रियाओं में कमी आई है। हालांकि ये लॉकडाउन और अन्य रोकथाम उपायों के पूर्ण प्रभाव का आकलन करने के लिए बहुत जल्दबाजी है। रिपोर्ट का अनुमान है कि कम से कम 8.3 करोड़ लोग और संभवतः 13.2 करोड़ से अधिक लोग आर्थिक तंगी के परिणाम स्वरूप 2020 में भूखे रह सकते हैं। कोविड-19 से मंदी का दौर शुरू हो गया है और ये झटका पूरे विश्व को परेशान किए हुए है। आज देश के लाखों लोगों के पास खाने के लिए अन्न नहीं, रहने के लिए मकान नहीं और तो और काम करने के लिए रोजगार भी नहीं है। ताज्जुब की बात तो ये है कि देश का किसान वर्ग, जिसने इस कठिन समय में देश की जीडीपी में 3% का योगदान देकर देश की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने का काम किया है, बावजूद इसके सरकार किसान बिल पास कर उनका ही शोषण करना चाहती है। बावजूद इसके सरकार किसानों की सुन नहीं रही। किसान सड़कों पर हैं और किसानों का आरोप है कि सरकार उनका शोषण कर रही है। वहीं दूसरी ओर देश के मजदूर वर्ग को भी आज बेरोजगारी से जूझना पड़ रहा है। हालांकि इसमें कोई दो राय नहीं कि सरकार समय समय पर किसानों व गरीबों के लिए नई नई योजनाएं तो लेकर आती है, परंतु ये योजनाएं खुद भ्रष्टाचार का शिकार हो जाती हैं, जिससे इन योजनाओं का कोई औचित्य ही नहीं रह जाता। देश में आज बेरोजगारी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। देश के लगभग 10 राज्यों में नौकरियों का बुरा हाल है। आंकड़ों के मुताबिक ग्रामीण इलाकों के मुकाबले शहरी इलाकों में बेरोजगारी दर ज्यादा है। वर्तमान समय में बेरोजगारी के मामले में उत्तराखंड और हरियाणा टॉप पर पहुंच चुके हैं। जानकारों का तो ये भी कहना है कि कोरोना महामारी बेरोजगारी की एक बड़ी वजह निकल कर सामने आई है। कुछ विशेषज्ञ ये बताते हैं कि मानसून के बाद कृषि का कार्य लगभग संपन्न हो जाता है, जिसके कारण कृषि में लगे श्रमिक इस दौरान बेरोजगार हो जाते हैं। हालांकि देश में अनलॉक का दौर चलने के बाद बेरोजगारी के आंकड़े में कमी आई है,
लेकिन अब भी देश के 10 राज्य ऐसे हैं जहां बेरोजगारी की दर दोहरे अंकों पर है। हरियाणा में बेरोजगारी की दर अब भी 19.17% और राजस्थान में 15.3% और दिल्ली में बेरोजगारी का आंकड़ा 12.5% है। वहीं पहाड़ी राज्यों में हिमाचल प्रदेश की बात करें तो बेरोजगारी का आंकड़ा 12% हो चुका है, जबकि उत्तराखंड का अनएम्प्लॉयमेंट रेट 22.3% है। इसके अलावा त्रिपुरा में बेरोजगारी की दर 17.4% व गोवा में 15.4% है। वहीं अगर जम्मू कश्मीर की बात करें तो 16.2% लोग बेरोजगार हो चुके हैं। ये आंकड़े सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी की ओर से जारी किए गए हैं। देश में सरकार केवल चुनाव के दौरान रोजगार का मुद्दा उठाती है, इससे स्पष्ट है कि सरकार केवल अपना निजी हित देखती है और झूठे वादे करके सत्ता में आ जाती है। सत्ता में आने के बाद वे अपनी आंखें और कान बंद करके बैठ जाते हैं, जिसका परिणाम देश के नागरिकों को भुगतना पड़ता है। एससी न्यूज की टीम ने अपनी पड़ताल में पाया कि देश के भ्रष्ट नेता और भ्रष्ट मीडिया हाउसेज की वजह से देश की अर्थव्यवस्था आज चौपट हो चुकी है। यदि सरकार देश के नागरिकों को रोजगार व अन्न उपलब्ध नहीं करवा सकती तो ऐसी सरकार का सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं है। वर्तमान समय में कोई भी वर्ग देश की व्यवस्था से संतुष्ट नहीं है। भूखमरी और बेरोजगारी जैसे मामलों को वर्ल्ड बैंक या देश की सरकार काबू में नहीं ला सकती, इसको केवल पूर्ण परमात्मा कबीर जी ही जड़ से समाप्त कर सकते हैं, क्योंकि परमात्मा कबीर जी ने तेमुरलंग नाम के एक लोहार से एक सूखी रोटी खाकर उसे 7 पीढ़ी तक का राज आशीर्वाद के रूप में बख्श दिया था। आज इतिहास गवाह है कि दिल्ली संतलंत के पूर्व राजा तेमुरलंग की 7 पीढ़ी ने दिल्ली संतलंत पर राज किया। तेमुरलंग से लेकर के औरंगजेब तक 7 पीढ़ी ने दिल्ली पर राज किया, जिसके बाद दिल्ली का राज्य टुकड़ों में बट गया। इसी प्रकार जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के द्वारा बताए गए तत्व ज्ञान पर चलने से और सत भक्ति करने से विश्व के सभी प्राणी पूर्ण रूप से सुखी होंगे। पूरी पृथ्वी फिर से उपजाऊ होगी। विश्व भर के पशुधन में बढ़ोतरी आएगी। अधिक वर्षा होने से फलदार वृक्ष और वातावरण शुद्ध हो जाएगा। फैक्ट्रियां मशीनों से नहीं बल्कि मानव संचालित साधनों के आधार पर चलेंगी, जिससे बेरोजगारी भी पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएगी। मोक्ष प्राप्ति की इच्छा से माया की दौड़ भी धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। खैर, 100 बातों की एक बात ये है कि तत्व ज्ञान की क्रांति ही इस पहलू का हल है। धन्यवाद दोस्तों। तो दोस्तों, इस पड़ताल में आपने देखा कि भारत समेत पूरा विश्व कितना भुखमरी से ग्रस्त है। 21वीं सदी में विज्ञान का बिगुल बजाने वाली दुनिया लोगों के पेट भी नहीं भर पा रही है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है क्या हम सभी वाकई दंड भोगने के लिए पृथ्वी पर भेजे गए हैं। इसके लिए आपको सोचना होगा। फिलहाल हमारी इस पड़ताल में भुखमरी से निपटने का समाधान भी बताया गया है, जिसका विश्व भर की सरकारों को पालना करना चाहिए। अब शुरू करते हैं दूसरी पड़ताल। आइए अब बात करते हैं ऐसे न्यूज द्वारा नवरात्रि पर की गई स्पेशल पड़ताल पर। देश में हर साल मनाया जाने वाला पर्व नवरात्रि अब अपने अंतिम दौर पर है। नवरात्रि में 9 दिनों तक 9 देवियों की पूजा और कर्मकांड आदि किए जाते हैं। लोक मान्यताओं के अनुसार इस नवरात्रों में 9 दिनों तक व्रत करने का भी प्रावधान है, जो कि एक शास्त्र अनुकूल साधना नहीं है, क्योंकि हिंदू धर्म के किसी भी धर्म ग्रंथ में व्रत का प्रावधान भी नहीं है। गीताजी अध्याय 6 के श्लोक 16 में भी व्रत करने की मनाही है। नवरात्रि के 9 दिनों तक नकली ब्राह्मणों द्वारा बलि भी चढ़वाई जाती है और कहा जाता है कि ऐसा करने से माता खुश होती है, लेकिन हम उनसे ये सवाल करना चाहते हैं कि यदि सच में माता बलि देने से खुश होती है तो फिर अपने ही परिवार के सदस्यों की बलि क्यों नहीं चढ़ाते। नवरात्रि के इस पर्व पर माता दुर्गा के बारे में सच्चाई जानने के लिए हमने रिसर्च की और हमारी रिसर्च में संत रामपाल जी के सत्संग ही ज्यादा हाईलाइट हो रहे थे, जिसके बाद ऐसे न्यूज की टीम ने जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचनों द्वारा हिंदू धर्म के पवित्र शास्त्रों का विशेष अध्ययन कर देवी भागवत पुराण से माता की वास्तविक स्थिति को जाना, जिसे अब आपके सामने रूबरू करवाते हैं। संसार में सब दुर्गा जी को माता कहकर संबोधित करते हैं और ऐसा इसलिए है कि दुर्गा
जी को त्रिदेव जननी भी कहा जाता है। त्रिदेव यानी कि श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी और श्री शिव जी को भी जन्म देने वाली माता। यह प्रमाण पवित्र देवी भागवत पुराण अध्याय 5 के तीसरे स्कंद में भी मिलता है। अभी तक तो हम ब्रह्मा, विष्णु और महेश जी को अजर अमर मानते थे कि इनके कोई माता पिता नहीं है, किंतु हमारे पवित्र शास्त्र हमें बताते हैं कि ये तीनों देव भी जन्म मृत्यु के चक्र में आते हैं और इनकी माता दुर्गा जी है तथा पिता ज्योति निरंजन काल है। आप सब ने दुर्गा जी की कई तस्वीरों में देखा होगा कि माता इतना श्रृंगार करती है, लेकिन आखिर वे श्रृंगार किसका करती है? कौन है उनके पति जिसके लिए वे 16 श्रृंगार करती है? क्योंकि जो स्त्री सुहागन होती है सिर्फ वही श्रृंगार करती है। इसका मतलब माता दुर्गा भी सुहागन है, लेकिन आखिर उनके पति कौन है? और ये जानने के लिए ऐसे न्यूज की टीम ने संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संगों को गहनता से सुना और पड़ताल की, जिसमें हमने जो पाया वो अब आपको दिखाते हैं। भगवान विष्णु जी स्वयं स्वीकार कर रहे हैं, विष्णु जी कहो चाहे श्री कृष्ण जी कहो, तुम शुद्ध स्वरूपा हो, यह सारा संसार तुम्हें से उद्भासित हो रहा है। अपनी माता दुर्गा की स्तुति करते हुए श्री विष्णु जी बोल रहे हैं, मैं ब्रह्मा और शंकर हम सभी तुम्हारी कृपा से विद्यमान हैं। हमारा आविर्भाव माने जन्म और त्रोभाव माने मृत्यु हुआ करता है। हमारा तो जन्म और मृत्यु होता है, केवल तुम ही नित हो, जगत जननी हो, प्रकृति और सनातनी देवी हो। भगवान शंकर बोले, देवी यदि महाभाग विष्णु तुम्हीं से प्रकट हुए हैं, यानी तो आपसे जन्म हुआ है, तो उनके बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा भी तुम्हारे ही बालक हुए। फिर मैं तमोगुणी लीला करने वाला शंकर क्या तुम्हारी संतान नहीं हुआ? अर्थात मुझे भी उत्पन्न करने वाली, जन्म देने वाली तुम ही हो शिवे, संपूर्ण संसार की सृष्टि करने में तुम बड़ी चतुर हो। इस संसार की सृष्टि, स्थिति और संहार में तुम्हारे गुण सदा समर्थ हैं। उन्हीं तीनों गुणों से उत्पन्न हम, यानी रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, तीनों गुणों से उत्पन्न हम ब्रह्मा विष्णु एवं शंकर नियमानुसार कार्य में तत्पर रहते हैं। हम ये तीनों देवता तो जगत का कार्य संभाले रहते हैं और तुम्हारे ही रूप हैं। अपुनात्मा, इस पवित्र श्रीमद् देवी भागवत अर्थात शक्ति पुराण ने, दुर्गा पुराण ने 4 कंसेप्ट क्लियर कर दिए इस थोड़े से पवित्र उल्लेख ने। एक तो ये सिद्ध कर दिया कि श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी, श्री शिव जी की जन्म मृत्यु होती है, ये अविनाशी नहीं है। दूसरा ये कंसेप्ट सिद्ध कर दिया कि ये दुर्गा इनकी माता है। जैसे कि आपने अपनी आंखों से हमारे पवित्र हिंदू धर्म के शास्त्रों में देखा कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश की माता दुर्गा है और उनके पिता ज्योति निरंजन काल है। आइए अब हम आपको बताते हैं कि क्या नवरात्रि के त्योहार का उल्लेख हमारे शास्त्रों में भी कहीं मिलता है? हमारे हिंदू धर्म के शास्त्रों में कहीं पर भी नवरात्रि का त्योहार मनाने के बारे में नहीं बताया गया। जैसे कि आप जानते हैं कि ऐसे न्यूज की टीम किसी भी धर्म के बारे में पूर्ण रूप से जानकारी के लिए सबसे पहले उस धर्म के शास्त्रों से जानकारी लेती है और इसीलिए वेदों में कहीं पर भी नवरात्रि पूजन का जिक्र नहीं है, बल्कि स्वयं दुर्गा जी देवी भागवत पुराण के 7वें स्कंद के अध्याय 36 के पृष्ठ 563 में हिमालय राजा को ज्ञान उपदेश देते वक्त कहती है कि उस एकमात्र परमात्मा को ही जाने, बाकी सब बातों को छोड़ दे, मेरी और अन्य सभी देवी देवताओं की भक्ति भी छोड़ दे, यही अमृत रूप परमात्मा तक पहुँचने का पुल है। हिंदू धर्म में आमतौर पर अपने कष्ट के निवारण के लिए भोले श्रद्धालु देवी का पूजन करते हैं, नवरात्रि में व्रत उपवास कर देवी से उनके कष्ट हरने की कामना करते हैं। लेकिन क्या देवी जी आपके कष्टों को दूर कर सकती है? क्या वाकई देवी जी किसी साधक के तीनों तापों का नाश कर सकती है? आइए जानते हैं। हिंदू धर्म के अनुसार 33 करोड़ देवी देवता होते हैं, लेकिन सोचने वाली बात ये है कि जिस धर्म में 33 करोड़ देवी देवता हैं, फिर भी आज के वक्त कोई सुखी जीवन नहीं जी पा रहा है और इसी कारण से सभी लोग भटक रहे हैं।
आज इस देवता के पास तो कल उस देवी के पास, और फिर भी निराश। दुर्गा जी की पूजा करते करते भी कष्ट दूर नहीं होते, क्योंकि उनसे लाभ पाने का सही मंत्र और सही साधना की विधि किसी के भी पास नहीं है, जबकि पूर्ण लाभ तो केवल पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब जी की भक्ति से ही मिल सकता है। परमात्मा कहते हैं, तुम कौन राम का जपते जापम ताते कटेना तीनों तापम। इसका अर्थ है कि आप ऐसे कैसे भगवान की भक्ति कर रहे हैं जो आपके दुखों को भी दूर नहीं कर सकते। दर्शकों, ये किसी फिल्म की कहानी नहीं है। सूक्ष्म वेद में लिखा गुण परमात्म सत्य है। किसी व्यक्ति विशेष के जीवन को गहनता से जानने के लिए हम उसकी जीवनी पढ़ते हैं, और इसी तरह सभी भगवानों की उत्पत्ति व स्थिति जानने के लिए हम वेदों, शास्त्रों और गीता जी में लिखे तत्व ज्ञान को पढ़ना व तत्वदर्शी संत द्वारा उसे समझना चाहिए। ऐसे में उसकी पड़ताल में हमने ये पाया कि यह तत्व ज्ञान है जिसे जानने के बाद कोई परमात्मा प्रेमी आत्मा गलत साधना नहीं कर सकता। केवल कबीर जी ही पूर्ण परमात्मा है और सभी आत्माओं के सृजनहार व पूर्ण मोक्षदायक है। ऐसे न्यूज की सटीक और प्रमाणित जानकारी के बाद भी कई दर्शकों के मन में सवाल उठ रहे होंगे कि ऐसे तो हमने पहली बार सुना है, लेकिन ऐसे लोगों से निवेदन है कि ऐसे न्यूज आपको अप्रमाणित बातें कभी नहीं दिखाएगा। आपको चाहिए कि जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग सुने और उसके बाद अपने सदग्रंथों को स्वयं खोलकर अपनी आँखों से प्रमाणों को देखे। आज की ऐसे न्यूज की स्पेशल रिपोर्ट में हमने यह पाया कि हिंदू धर्म में सच्चे भगवान की वास्तविक जानकारी किसी को भी नहीं है सिवाय संत रामपाल जी के, क्योंकि विश्व प्रसिद्ध संत रामपाल जी महाराज जी ने प्रमाणित करके बताया है कि परमेश्वर की सत भक्ति का तरीका पूरे विश्व में केवल उन्हीं के पास है। इसलिए इस वीडियो को देखने वाले हमारे सभी हिंदू भाई बहनों से प्रार्थना है कि इस वीडियो को हर हिंदू तक पहुंचाएं और संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आकर अपना कल्याण करवाएं। आज हमने इस विशेष पड़ताल में बेरोजगारी और भुखमरी जैसे मुद्दों पर चर्चा की और साथ ही हिंदू धर्म के प्रचलित त्योहार नवरात्रि पर भी विस्तार से बात की। अब शुरू करते हैं स्पेशल वीकली बुलेटिन। बिहार में कांग्रेस के मुख्यालय पर आईटी डिपार्टमेंट ने मारा छापा। आयकर विभाग को पटना के कांग्रेसी दफ्तर सदाकत आश्रम की कार से मिले 8 लाख रुपए। इसी मामले में कांग्रेस के नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला से की गई पूछताछ। भारत बायोटेक की कोरोना वैक्सीन को तीसरे फेज के ट्रायल की मिली मंजूरी। भारत बायोटेक उन 2 कैंडिडेट में से एक है जो स्वदेशी वैक्सीन बनाने में जुटे हैं। बिहार चुनाव के ठीक पहले राज्य के उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी हुए कोरोना संक्रमित। नेता को इलाज के लिए पटना एम्स में करवाया गया भर्ती। केंद्रीय एजेंसी के खिलाफ उद्धव सरकार ने लिया बड़ा फैसला। अब सीबीआई को महाराष्ट्र में किसी भी जांच के लिए राज्य सरकार से लेनी होगी इजाजत। महाराष्ट्र सरकार ने सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में सीबीआई जांच पर भी जताई थी आपत्ति। गुजरात के कच्छ और सौराष्ट्र में महसूस किए गए भूकंप के भारी झटके। मैच 6 घंटे में 10 बार कांपी धरती। वहीं पोरबंदर में रात से सुबह तक 8 बार आया भूकंप। महाभारत सीरियल के भीष्म उर्फ मुकेश खन्ना ने द कपिल शर्मा शो को बताया अश्लील और दोहरे अर्थ वाला शो। अभिनेता ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर वीडियो अपलोड कर देश के सेंसर बोर्ड पर जताई नाराजगी। साथ ही कहा कि आज बॉलीवुड के अश्लील गाने और पिक्चर पश्चिमी संस्कृति को अपना कर देश की संस्कृति को तहस नहस कर रहे हैं। जीवन बीमा पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया बड़ा फैसला। अब बीमे के बारे में सभी जानकारियां देना बीमा धारक की जिम्मेदारी होगी। एम्स के सुप्रसिद्ध डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने आने वाले खतरे के लिए किया आगाह। कहा सर्दियों में स्वाइन फ्लू कोरोना वायरस से भी ज्यादा हो सकता है खतरनाक। इन दोनों बीमारियों के साथ निपटने में होगी मुश्किल। देश ने पार किया 10 करोड़ कोरोना जांच का आंकड़ा। अब तक 68 लाख से भी ज्यादा मरीज हो चुके हैं रिकवर। इसी के साथ देश में कुल संक्रमितों की संख्या हुई 78 लाख के पार। चीन में अब ब्रुसेलोसिस बीमारी का कहर हुआ तेज। देश में कई राज्यों में हजारों लोग पाए गए संक्रमित। स्वास्थ्य आयोग ने बताया कि अब तक 3,245 लोग इस बैक्टीरिया से हो चुके हैं संक्रमित। फ्लिपकार्ट की बिग बिलियन सेल में एक शख्स के साथ हुई 80,000 की ठगी। शख्स ने यूट्यूब पर फ्लिपकार्ट से मिले नकली चीनी आईफोन का वीडियो अपलोड कर देश की सबसे बड़ी ई कॉमर्स साइट का किया पर्दाफाश। मुंबई के नागपाड़ा के एक मॉल में लगी भीषण आग। आपातकालीन परिस्थिति में निकटवर्ती इमारत से तत्कालीन 3500 लोगों को बाहर निकाला गया। गुरुवार रात को लगी इस आग पर काबू पाने के लिए 24 फायर इंजन और 6 पानी के टैंक मौके पर किए गए तैनात। त्योहारों के सीजन में सब्जियों की कीमत में लगी आग। बीते हफ्ते आलू की कीमतें 50 रुपए प्रति किलो तो लहसुन का दाम हुआ 160 रुपए प्रति किलो। वहीं हरी सब्जियां रिटेल बाजार में 60 से लेकर 200 रुपए तक हुई महंगी। श्रीलंका ने ब्रिटेन में एलटीटीई को आतंकी सूची से हटाने के फैसले के खिलाफ अपील की। कहा हमारे पास उन्हें आतंकी साबित करने के हैं ठोस सबूत। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एवं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह पर भोपाल की विशेष सत्र न्यायालय में सिंधिया समर्थकों के द्वारा 10 करोड़ रुपए का मानहानि का केस हुआ दर्ज। मामले में 18 नवम्बर को होगी सुनवाई।
भारत सरकार ने ट्विटर को पत्र लिखकर जम्मू कश्मीर के लेह को चीन का हिस्सा दिखाने को लेकर जताई नाराजगी, साथ ही चेतावनी देते हुए कहा हमारी भावनाओं से खिलवाड़ न करें, बर्दाश्त नहीं करेंगे। पाकिस्तान के कराची में हुआ बम धमाका, हादसे में 3 लोगों की हुई मौत, वहीं 15 लोग हुए बुरी तरह से घायल। धमाके में इमारत का एक बड़ा हिस्सा ढह गया, वहीं स्थानीय पुलिस ने हादसे पर सिलेंडर ब्लास्ट की आशंका व्यक्त की। कोविड-19 ऑक्सफोर्ड वैक्सीन के ट्रायल के दौरान ब्राजील में एक वॉलंटियर की हो गई मौत, हादसे के बाद प्रशासन में मची हलचल। पाकिस्तान में पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट को लेकर पैदा हो चुके हैं गृह युद्ध जैसे हालात, सेना और पुलिस के बीच हो रहा है भीषण संघर्ष। सूत्रों के मुताबिक अब तक घटना में 15 लोगों की हो चुकी है मौत। संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में राजस्थान के जिला गंगानगर और जिला सीकर में तो अद्भुत विवाह हुए। इस विवाह की खासियत ये रही कि इस शादी यानी कि रमेणी में न तो कोई पंडित था और न मंडप और न ही कोई डीजे। आदरणीय गरीबदास जी महाराज जी की वाणी में 17 मिनट तक संत रामपाल जी महाराज जी के मुखारबिंद से प्रोजेक्टर के माध्यम से वाचन किया गया। इस 17 मिनट की गुरुवाणी के दौरान ही दोनों लड़का लड़की वैवाहिक बंधन में बंध गए। संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों ने बताया कि दहेज लेना व देना सामाजिक कुरीति है व समाज में अशांति का कारण भी, और इसीलिए भगत समाज के लिए भी ये विशेषकर प्रतिबंधित है। इसके साथ साथ संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों ने ये भी बताया कि वे नशा न तो करते हैं और न ही करने में किसी का सहयोग करते हैं। इसके अलावा चोरी जारी, ठगी, रिश्वतखोरी, कन्या भ्रूण हत्या आदि पाप कर्मों से भी डरने वाले हैं। आज की खबरों की खबर में बस इतना ही। अब अगले रविवार नए मुद्दे के साथ मिलेंगे। आप बने रहिए ऐसे न्यूज चैनल के साथ। सच जो आप जानना चाहते हैं।